नमस्ते, आज मैं आपको पनीर दो प्याजा बना के दिखाऊंगी। इसकी लहसुन, अदरक, लहसुन कुछ कलियां, एक छोटा अदरक टुकड़ा, चार हरी मिर्च, एक टमाटर, जीरा पाउडर, इलायची चार टुकड़े, दालचीनी दो टुकड़े, लौंग दो चार टुकड़े, स्वाद अनुसार नमक और चीनी, काली मिर्च एक छोटा चम्मच, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कटे हुए प्याज दो छोटे, पनीर ऐसे ट्रायंगलों में कटा हुआ, फ्रेश क्रीम। अब मैं पनीर दो प्याजा बनाने जा रही हूँ। पहले मैं इन प्याजों को हल्का सा फ्राई कर लूंगी। देखिए प्याज हल्के से फ्राई हो गए हैं, हल्के से, एकदम ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं इन फ्राई प्याज को निकाल लूंगी। अब मैं ये खड़े मसाले, इलायची, लौंग, ये सब डाल दूंगी, दालचीनी। अब मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के डाल दूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें मसाले डाल दूंगी और टमाटर डाल दूंगी, जीरा पाउडर, काली मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटर। अब अच्छे से थोड़ा चला लूंगी। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो मसाला भुनेगा नहीं। देखिए मसाला क्या फ्राई कर रही हूँ। मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है, उसके बाद बाकी सामग्री पड़ेगी। तो प्याज मैंने फ्राई कर लिया था, अब उस प्याज को मसाले में डाल के फ्राई करना है। नमक और चीनी भी डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। डालूंगी करीब इतना, आधा कटोरी, छोटा आधा कटोरी। अब डाल देती हूँ, पानी डाल दे रही हूँ करीब 1/4 ग्लास करीब। आप थोड़ा सा ग्रेवी अपने हिसाब से रखेंगे, उस हिसाब से आप पानी डाल देंगे, आपको जैसा जरूरत पड़े ग्रेवी की। अब पनीर के सारे टुकड़े डाल दूंगी।
इसकी ग्रेवी थोड़ी व्हाइट कलर की बनेगी क्रीम की वजह से, व्हाइट कलर में आएगी। देखिए अब थोड़ी देर के लिए इसको सिम पे उबाल लेंगे, थोड़ा सिमर कर लेंगे। ये जो हरी मिर्च मैंने थोड़े चीरे लगा के रखे थे वो अब इसमें उतारने से पहले डालना है। सर्व कर लूंगी। रेडी होने के बाद देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, थोड़ा सा क्रीम से इसको डेकोरेट किया है। टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि खाने में कैसा लग रहा है। बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही टेस्टी है। प्लीज आप इसको जरूर बनाइए और अपने कमेंट्स लिख के सब्सक्राइब कीजिए। इसे रोटी या जीरा राइस किसी भी चीज के संग आप खा सकते हैं।